आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे सामने है ये अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड की ये आप देख रहे हैं हाईवा है ये। तो इसके जो ऑनर है वो हमारे साथ हैं। भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? नाम मुर्तजा है। मुक्त? मुर्तजा, मुर्तजा। अच्छा मुर्तजा, ओके। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको ये गाड़ी लिए हुए? 3 महीने करीब हो गए। 3 महीने हुए हैं। बहुत बढ़िया भैया, तो नई गाड़ी के लिए मुबारक भैया। और कैसी चल रही है भैया गाड़ी? ये गाड़ी चलने में ठीक है। अच्छा, तो भैया सबसे पहले तो कीमत का बताइए कि कीमत कितने की पड़ी गाड़ी आपको? ये पड़ी जी हमें 46,45,000 रुपये। 46,45,000। 45,000, ओके। यानी 46,45,000 के करीब ये गाड़ी की कॉस्टिंग है जी। ठीक है, गाड़ी कुछ देखने में इस तरीके की है। और इस गाड़ी का जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी का जो मॉडल नंबर है वो है, ये है 3525 TU। ठीक है, इस तरफ से गाड़ी कुछ इस तरीके की है देखने में ओवरऑल। तो भैया अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, इसके एवरेज के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या एवरेज देती होगी गाड़ी? एवरेज देती है जी ये खाली तो देती है 3 का। हाँ, लोडिंग पर देती है 2.5 का। अच्छा, 2.5 का एवरेज देती है। 2.5 का एवरेज देती है, 2.7 का। ओके ओके। और इसकी भैया किस्त कितनी जा रही होगी? अभी किस्त है इसकी हमारी 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये किस्त है महीने की? अच्छा जी, सही है। और इसकी अगर हम हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग मतलब कि ब्रेक वगैरह मारे हैं तो गाड़ी एकदम कैसा रिस्पॉन्स करती है? ब्रेक में बहुत अच्छी है ये। हाँ, ब्रेक में बहुत अच्छी है, चलाने में भी ठीक है। इसकी जो है बस थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना इसकी गाड़ी में, और कुछ दिक्कत नहीं इसमें। इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम लगा जब भरकर लोडिंग में खान में चलते हैं ना। हाँ, तो इसे थोड़ी सी उठान में थोड़ी सी टाटा से थोड़ी सी कमजोर है थोड़ी। अच्छा, वहाँ से क्लच प्लेट में इसमें दिक्कत हमें डर लगता है। हाँ, क्लच प्लेट के इसके क्लच प्लेट में दिक्कत है। हाँ, बस क्लच प्लेट की इसमें हमें बहुत सोच समझ चलानी पड़ती है खान में, खनन में। अच्छा, हाँ, तो खान की यानी इसकी जो क्लच प्लेट है वो जल्दी ख़राब हो जाती है भैया का ये कहना है। और कितने की डलती है भैया क्लच प्लेट? क्लच प्लेट कम से कम 15,000 रुपये क्लच प्लेट इसकी डलेगी। 15,000 रुपये की? और वारंटी में होगी तो वे काफ़ी टाइम लगाते हैं। अच्छा, एक प्लेट को चेंज करने में ही हफ्ता ले जाएगा। अच्छा जी, हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। हाँ, और अगर भैया इसकी सर्विसिंग की बात करूँ मैं तो सर्विसिंग कंपनी कैसी है, सर्विस कैसा दे रही है कंपनी? सर्विस में जो है बड़ी अच्छी है सर्विस में तो। हाँ, अगर कोई सामान उन्हें वारंटी में गिरना पड़ जा तो वे कहेंगे बाहर से ला रहे हैं, कह दिए कि हमारे पास एक गाड़ी से पहले भी रह के जाली। अच्छा, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड। अच्छा, एक गाड़ी और हमारे पास में है और ये 3 महीने से कटवाई हुई, अच्छी है, चलने में अच्छी है, इसलिए फिर दोबारा भी कटवाई। थोड़ा सा जो वे शोरूम वाले हैं वे देर करते हैं सामान लाने में, गेरने में। अच्छा, हाँ, बस वरनी वो गाड़ी ओके है। तो टाटा के मुकाबले कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी? टाटा से तो कहीं से नहीं पिट रही, सिर्फ एक क्लच प्लेट से पिट रही है गाड़ी। अच्छा, हाँ नहीं, टाटा से कहीं नहीं पिटी, टाटा से एवरेज अच्छा है। लोडिंग में टाटा से कितने ली जा रही है? टाटा की से जैक भी तकड़ा है इसका। अच्छा, हाँ, जैक भी तकड़ा है इसका टाटा की से। जैक इसका एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है भी इसके जैक वगैरह, थोड़ा सा बताइए। सबसे मेन चीज़ जो है इसकी ये जो चीज़ है, ये, हाँ, ये वो जैक जो है ना। अच्छा, ये वाला जो जैक है, हाँ, हाँ, ये जो इसको ऊपर उठाता है, हाँ, हाँ, ये ऊपर ये है, ये इसका मजबूत है टाटा के मुकाबले, टाटा की से मजबूत है ये। अच्छा जी, हाँ, कई सामान लीलैंड ने अब इस मॉडल में दिए हैं। हाँ, 2023 में। हाँ, ये टाटा की से कई चीज़ खूबी की दे दी इसके अंदर। अच्छा, हम इसलिए दोबारा लीलैंड ले लैंड आपने दोबारा ली है। एक तो जैक हो गई इसकी वजह जो आपको अच्छा लगा, ये जैक मेन चीज़, जैक इसकी मेन, बिल्कुल, जब ये हाईवा है जब ऊपर उठाने का काम ही है तो इसका जैक मजबूत होना ये बहुत ज़रूरी है। सर्विस के मामले में बस आपको थोड़ा सी दिक्कत है अशोक लेलैंड से कि सर्विस इनकी बहुत फास्ट नहीं है। फास्ट नहीं है बस टाटा के मुकाबले, मतलब आपको लग रहा है कि फास्ट नहीं है? हाँ, टाटा के मुकाबले फास्ट नहीं है सर्विस। अच्छा, और एक चीज़ आप और भी बता रहे थे कि ये जो गाड़ी अगर कोई लेना चाहता है नया, जी जी, तो नई गाड़ी अगर कोई लेना चाहता है तो उसको ये गाड़ी जल्दी मिल जाती है? हाँ, ये जल्दी मिल जाती है, अगर कोई ना भी उन्होंने बंदा तो उसको ये गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, टाटा वाले 2-3 महीने घुमा देंगे। अच्छा, हाँ, ये बेचारे लीलैंड वाले जो हैं ये जल्दी गाड़ी दे देंगे। अच्छा जी, टाटा वाले 2-3 महीने घुमा देंगे, घुमा देते हैं। हाँ, ओके। और सर्विस जो आप बता रहे हैं कि अशोक लेलैंड की सर्विस थोड़ी सी डिले है, थोड़ी सी उसमें जो है इसमें लेट होती है। हाँ, जैसे कोई वारंटी में सामान है मान लो की बात है, हाँ, तो वे 2-4 दिन फालतू लगाते हैं टाटा।
डाटा की तुरंत तुरंत है, बस में यू ही कमी है थोड़ी सी, कहीं थोड़ा सा सामान लाकर गिरने में देर लगाते हैं, बाकी टाटा की से कहीं से भी गाड़ी नहीं पीटती। अच्छा एक चीज़ और रहता है इसमें, कई भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि यार ये जो इसके पार्ट पुर्जे हैं क्या ये बाहर मिल जाएगी, मान लो बाहर कभी ख़राब हो गई है ना, कभी ऊपर वाला कभी ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, बट कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ख़राब हो गई, तो क्या उसको पार्ट पुर्जे मिल जाएंगे, कोई मिस्त्री बाहर का हाथ लगा देगा इसमें? नहीं बाहर कभी लगा देंगे, बाहर कभी लगा देंगे तो मिल जाती हर जगह, मान लो नई गाड़ी है तो बंदा शोरूम में ले जानी सोचेगा, अन्य हर जगह इसके मिस्त्री हर जगह खोल बैठ लेते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पहले हमारे पास गाड़ी है। अच्छा अब तो हर जगह मिस्त्री का। अच्छा जी, इसके डीजल की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो 350-360 लीटर का इसका जो है टैंक है ये, ठीक है। टायर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जेके के टायर हैं, मेरा जेके के टायर इसमें डले हुए हैं। यहाँ पे पीछे भी अगर हम लोग देखें 1120 के टायर हैं ये, 1120 के इसमें टायर दिया कंपनी ने, तो टायर सही है ये, टायर बहुत ऑफिट गाड़ी, टायर भी बहुत कम खाती है। अच्छा टायर भी 4 महीने को रहे, ग्रुप डी भी जो गए तो है, हाँ 4 महीने और को गाड़ी को टायर कम खा रहे हैं इसके, टायर कम खाती है गाड़ी। अब जैसे सर्विस जो है, हाँ सर्विस इसकी पहली सर्विस 500 घंटे पर। अच्छा हाँ पहली सर्विस इसकी 500 घंटे चलने के बाद है, फिर 1000 हो जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी। सर्विस का कितना कॉस्ट आता होगा? सर्विस का तो मान लो कोई पुर्जा उर्जा ख़राब है तो ठीक है, अरे तेल बदला जा रहा है बस, जी बस तेल बदला जा रहा है। तो अभी सर्विस आपने करवाई कोई? अभी नहीं करवाई, इसकी चलगी 480 घंटे चलगी, 90 पे करवा दूंगा इसकी सर्विस। अच्छा 10 घंटे और चलने के बाद 10 घंटे और चलते ही सर्विस करवा दूंगा, इसकी घंटे के हिसाब से होती है, घंटे के हिसाब से है। और बाकी इसकी मजबूती की बात करें तो गाड़ी मजबूत है ओवरऑल, चेसिस वगैरह बिल्ड है ना, चेसिस का टाटा की से मजबूत दिया है। अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इससे तरली ये टाटा की से मजबूत दी कंपनी ने, ये वाली चीज़ टाटा की से मजबूत है, ये दो सामान कंपनी ने टाटा से फालतू करे, एक जैक और ये फ्रेम, एक ये एक फ्रेम, ये टाटा की से मजबूत है। चलिए ये दो सामान तो 2023 में गाड़ी आई ना ये, हाँ। ये गाड़ी ने टाटा से कई सामान फालतू करे जिन 2023 में आई है, 2023 वाला जो मॉडल है। हाँ। अच्छा कई लोग ये कहते हैं यार BS6 गाड़ियों में अब दम नहीं है, BS4 वाली ज़्यादा मजबूत थी, इस बारे में क्या कहूँगा? ये मारी जो 35-25 है, बिल्कुल ओके गाड़ी, जान लगाने में भी थोड़ी सी, मैंने थोड़ी पहले ही बताई थी ना आपको, मतलब खनन में गाड़ी उबाड़ते हैं कहीं कच्चे पच्चे उबाड़ देते हैं, उसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्लच प्लेट की, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाकी क्लच प्लेट इनकी थोड़ी सी टाटा के मुकाबले नॉर्मल है, टाटा की हैवी है, टाटा की हैवी है। और अगर हम लोग इसकी उसकी बात करें भी है, क्या कहते हैं आपका ये जो चीज़ है ये नाम बोल रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं इसको, ये पूरा कहते हैं ना ये, हाँ एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल जो है ना, इसका एक्सेल भी अच्छा मजबूत है, मोटा बढ़िया, अच्छा बिना उसका तेल वाला ग्रीस वाला। और इसमें जो कमानी आप देख रहे हैं सीधी कमानी है, उल्टी कमानी का? अच्छा ये उल्टी कमानी है, ये उल्टी कमानी है ना, उल्टी कमानी दी है इसमें 12 टर्न में, 35-25 12 टर्न में उल्टी कमानी, कमानी बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ी कमानी दी है, कमानी में कहीं भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। चलो जी बढ़िया, तो कुल मिला के ओके है गाड़ी। तो जो नए भाई लोग ले रहे हैं गाड़ी जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए, टाटा लेनी चाहिए? नहीं नहीं, टाटा भारत बेंच अपनी जगह ठीक है, बाकी ये जो अगर नया ओनर है उसको ये बेहतर है, टाटा वाले जो है तो केस नहीं करेंगे आगे, ये लैंड वाले इनका खुद का फाइनेंस है, ये अपनी खुद ही गाड़ी देते हैं, खुद ही केस करते हैं। अच्छा टाटा की को नया बंदर फाइल ले फिर हो जाए जल्दी से मिलती नहीं है। अच्छा जी, ये इनकी खुद की कंपनी है, खुद का ही केस करते हैं। तो आपने भी ये गाड़ी कहाँ से ली? ये मैंने लीलैंड से जैसे लिया है, तो लीलैंड का ही, लीलैंड का तो कहाँ कौन से वाले शोरूम से? ये दुराला रोड पर, दुराला पे जो है, दुराला रोड पे इनका कहाँ है? दुराला रोड पर इनका शोरूम है, ये पल्लवपुरम में जो है, जी जी इनका दुराला रोड पर ही शोरूम है, मेरट बाईपास पे दुराला रोड पर यही शोरूम है इनका, हमने ऐसे गाड़ी काट दी है। अच्छा। और हमने उन्होंने ही केस करवाया है। अच्छा हमें कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, जो खुद ही केस करवा देंगे नहीं बन देगा। अच्छा हम
जो हमने गाड़ी पहले काट दी थी हम नए थे, इन्होंने खुद हमारे केस करवा दिया, दोबारा तो फिर जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं पड़ी। अब भैया जैसे कि जैसे आप, आपका ये सेकंड गाड़ी है, पहली गाड़ी से आपने काफ़ी अच्छा किया, अब दूसरी गाड़ी आपने बनाई है, है ना, तो अब इसमें थोड़ी सी कमाई के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भाई अगर नई गाड़ी बनाता है तो कमाई वो कैसे करेगा, कैसे खनन में कैसे गाड़ी लगती है, कैसे क्या रहता है? ये गाड़ी 8 फेर में मेरठ के, मान लो जमुना, यूपी से जमुना में से हमने रेत भरा और मेरठ ले गए, रात में और दिन में 3 चक्कर ही मार रहा है, 2 तो मारे ही मारा है, एक दिन में एक रात में। अच्छा। हाँ, हम अंडर लोड गाड़ी भरते हैं, इसके अंदर मान लो 300 क्विंटल रेत भरते हैं इसके अंदर, ठीक है, अंडर लोड चलाते हैं हम, कुछ लोग ओवरलोड भी चलाते हैं और हम अंडर लोड चलाते हैं। हमारी कमाई महीने में 2.5 लाख की, 2.25 लाख की, 2.5 लाख की महीने में कमाई करते हैं, नॉर्मल सब कुछ खर्चा काट के, सब कुछ खर्चा काट के 2.5 लाख की कमाई हो जाती है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2.5 लाख मतलब ये एक गाड़ी से, एक गाड़ी की बात आप कर रहे हो? एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक गाड़ी। अच्छा जी। हाँ, 2.5 लाख रुपये कमा लेते। तो भैया ये जो खनन में जैसे गाड़ी जाती है, जैसे आपकी जाती है, तो कैसे मतलब वहाँ कोई भी अपनी गाड़ी ले जाके मतलब रेत भर लेगा और ले आएगा? कोई जाओ सबके लिए है। अच्छा जी। हाँ, कहीं का बंदा हो तो वहाँ, वहाँ पे कुछ कमीशन बाजी या वहाँ पे कुछ ऐसा चलता है? सिर्फ रवाना मिलता है। हाँ। रेट सबके काउंटर पर चेक कटेगी। हाँ। एक कटेगी, उस सब कोई भी भरो। अच्छा जी। कोई भी भरो, कहीं का बंदा हो, दिल्ली का हो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, कहीं का बंदा हो, यूपी में खान चल रही है, कोई भी जाके भर सकता है। अच्छा, तो वहाँ पे जो भरने वाले लोग हैं वो गाड़ी को भरने का कितना खर्चा लेते हैं? टोटल मान लो इस गाड़ी की वहीं कट जाती है 12 काउंटर पे। हाँ। सब कुछ लालटी के, भराई के, तरह के सब पैसे कट जाते हैं। अच्छा। लालटी बैठती है कोई 10,500 की, 10,000 की लालटी, मतलब भरने का, भरने का जो खर्चा है 10,000 का, माल का भी और भराई का भी। अच्छा। हाँ, 10,500 की गाड़ी भर देते हैं। अच्छा, ठीक है। जहाँ का भी जिस स्टेट में ले जाना है। हाँ। उसके रवाना दे देंगे। अच्छा, पर्ची काट के दे देंगे? पर्ची काट दे देंगे, पक्का बिल दे देंगे। हाँ, अपना कहीं भी ले जाए। अच्छा, बढ़िया। ये स्टॉक में भी चलती है, मट्टी में भी चलती है और रेत में चलती है। रेत में चलती है। कमाई अच्छी है कुल मिला के, कमाई ठीक है इनसे, बढ़िया। गाड़ी नहीं है, मेंटेनेंस नहीं मांगती, कुछ नहीं, कमाई अच्छी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बुढ़ापे की बात कर लेते हैं भैया। अब गाड़ी हमने खरीद ली, 4-5 साल हमने चला लिया, अब आपको क्या लगता है गाड़ी का जो बुढ़ापा है वो कितने साल, मतलब 8 साल 9 साल या कब आपको लग रहा है कि गाड़ी का बुढ़ापा आ जाएगा? तो जी, हमारे जो हैली लैंड की इतनी बुढ़ापे गाड़ी नहीं रही, हमारे पास टाटा के थे ट्रक, टट्टू ईंट होने वाले वे हमारे पास थे, ये तो हमने अभी बनाई है, 1.5 साल तो पहले को हो गया और इसे 3-4 महीने से हो गए, बुढ़ापा तो हमने इसका नहीं देखा। पर हाँ, हमने सुना कि टाटा की कुछ बुढ़ापे में बेहतर रह जाती है, टाटा की रीसेल वैल्यू जो है। हाँ, थोड़ी सी बुढ़ापे में रह जाती है, ऐसी इसकी कीमत नई की कम आती है, टाटा की फालतू आती है। मान लो टाटा की 5 लाख महंगी है इससे, 4.5 लाख महंगी है, तो 4.5 लाख मंदी है। यूबीके की, टाटा की मान लो एक मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ, 10 लाख की, तो यूबीके की 6 लाख की। अच्छा। हाँ, तो 4 लाख बुढ़ापे में इसकी जैसे घट गए, ऐसी 4-4.5 लाख रुपए मंदी मंदी मिल जाती है। तो इसकी जैसा अभी आप बता भी रहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में जो हम इसको खरीदते हैं तो टाटा के मुकाबले 4 लाख के करीब सस्ती बैठती है ये गाड़ी, है ना, तो फिर वही वहाँ पे वो कंप्रोमाइज हो जाता है, कस्टमर भागा नहीं फिरता, मिल जल्दी जाती है, मिल जल्दी जाती वो है। वो जो टाटा की गाड़ी पे उन्हें ही ज्यादा दे रहे हैं, जो पुराने कस्टमर हैं उनके, जिसके पास कई कई गाड़ी हैं, उन्हें जल्दी देते हैं, जो नया कस्टमर है उसे तो ध्यान देते ही नहीं। अच्छा, नाटते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। अच्छा जी। और मान लो किसी भाई की सिविल खराब है, जैसे पिछले लॉकडाउन में कई भाइयों की सिविल खराब हो गई थी किसी भी वजह से, फिर तो टाटा वाले देने गए ही नहीं उसे, टाटा तो देंगे ना, अशोक लेलैंड क्या लग रहा है, दे सकती है, चांसेस हैं हिसाब से देख के, अशोक लेलैंड दे सकती है। चलिए, बढ़िया। हाँ, बाकी टाटा दे ही नहीं सकती, टाटा नहीं देगी। नए ओनर को भी बहुत 2-3 महीने घुमाना है, और जिसका सिविल खराब हो गया दिक्कत। चलिए, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बढ़िया गाड़ी, सिर्फ एक थोड़ी सी मुझे कमी आती है इसकी, खनन में भरते हैं तो क्लच प्लेट को बहुत हिसाब से झटके वटके नहीं मार सकते, बहुत हिसाब से रखने पड़ते, और कोई कमी नहीं है इसमें, और कोई कमी नहीं। चलो, बढ़िया, ठीक है भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप चैनल पे आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और दर्शकों से अनुरोध करूँगा इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ड्राइव सेफ़।